कनाल 14 मरले मारी दादी है, उसका रजिस्ट्री इंतकाल मारे नाम है। वो सेशन कोर्ट गुजा वाला भी से भी मारे हक में फैसला हुआ है, लाहौर हाई कोर्ट से भी मारे हक में फैसला हुआ है। इन्होंने द्वार कराई थी जब उधर काजम रजा शमसी साहब ने पटवारी को तलब करके इसकी बाबत पूछा था कि इसका मालिक कौन है, और उसमें उन्होंने क्लियर कट लिखा है कि ये रेवेन्यू कार्ड इनकी फेवर में है। और इन्होंने 2-3 पर्चे पहले भी हमारे खिलाफ इस जगह करवाए थे जो झूठे होने की बिना पर खारिज हो गए थे इस दिन तकरीबन 18 तारीख को ये 70-80 बंदे मसाला होकर इस पर कब्जा करने की कोशिश अनवर मांझ की सरकर्दगी में आए थे, और वो पुलिस की उनको मुकम्मल सरपरस्ती हासिल थी। SHO साहब ने मकामी पुलिस को लाहौर भेज दिया था कि उधर मिशन है, आप उधर जाएं। जब हमने उसको फ़ोन किया तो उसने कहा हमें तो SHO साहब ने लाहौर भेज दिया है। फिर हमने 15 पे कॉल की और थाने से तकरीबन जो पुलिस आई वो जिसको भी पकड़ते थे फौरन वो SHO साहब से ऐसे फ़ोन मिलाते थे और देते और वो छोड़ देते थे। पुलिस की मौजूदगी में तकरीबन 70-80 बंदे आतशी नसला से मसल्ला पास जो हमारे घर थे उनकी छतों पर और शादी वाले की छत पर और सब मौजूद थे, लेकिन पुलिस बेबस थी और उसकी वजह SHO थाना तत्रियाली थे, क्योंकि वो मुकामी जो जिसको भी पकड़ते थे वो फौरन हमारे सामने फ़ोन पे बात कराते थे और उनको छोड़ देते थे। और उसके बाद हमारी हवेली में 2 दिन इन्होंने हमारी भैंसों को चारा नहीं डालने दिया, ना उनका दूध धोने देते थे। और 2 दिन के बाद सिर्फ हमारे उधर एक दो मुलाजम हैं उनको जाने देते हैं, हमें तो अपनी भैंसों को देखने भी नहीं देते। हमें तो ये खदशा है कि कहीं ये हमारी भैंस ही ना चोरी कर देंगे। जी इतों निकल नहीं देंगे, सानू दरखास्त जी कितने देनी है जी। हाँ जी इतने अस बैठे अपने डेरे बैठे हाँ, सानू ना उसे जगह ही जान देंगे ने तो ना ही किसी होर पासे जान देंगे ने। परचा साढ़े खिलाफ कराया असी जमानत करा लिया ने, साडे जिहड़े जख्मी ने हाली वो हस्पताल ही पे ने, तो असी आखने कि साड़ी अपने बंद तू आप ही फायर मार के साडे ते परचा दिता ने। हाँ जी किसने? अनवर मांझ ने। हाँ जी हालांकि मौके पर कोई